अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अच्छा यार, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और इसका आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में भी आता है और वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि भाई वैक्टर्स को अगर कोई बंदा कहे यार डायग्राम के लिहाज से मैं नहीं हल करना चाहता, थ्योरेटिकली बताओ कैसे हल करूँगा, तो उसके लिए एक जुगाड़ सिस्टम है, वो हमने पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम है जी हमारा वैक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो अपनी कमर की पेटी बांध लो। अगर लेक्चर बोरिंग लगे तो बताओ, अगर नहीं लगता, इंजॉयबल है, जल्दी करना है, तो स्पीड को सेटिंग में जाके 2x पे करो और फटाफट लेक्चर लेके घर को जाओ। अच्छा खैर, तो अभी आप लोगों के जो जेन है उसमें ये बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि सर वेक्टर को ऐड करना है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से, बाई का मतलब होता है कि इसके लिहाज से हमारे इधर, ठीक है, इसके टॉपिक। लेकिन आपको कि सर हमने एक ये वाला भी तो पढ़ा था, एक रूल जिसको हम बोले थे हेड टू टेल रूल यूज टू ऐड वेक्टर्स। अब ये जो नीचे वाला रूल है ये डायरेक्ट कहता है कि भाई आपके पास 10 वेक्टर हैं, उनको आप ड्रा करो। जैसे कि मैं इधर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास ये जी वेक्टर 1 है ए, एंड दिस इज द वेक्टर बी, इसको आपने इसमें ऐड कर दिया और ये इनका रिजल्टेंट है। ठीक है, क्या करना है आपने, जस्ट आपने ए में बी को ऐड करना है। कैसे, उसके हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल रखनी और ऐड कर देना है। लेकिन इसके अंदर ये जो ऊपर वाला है ये कहता है कि भाई आपने हर वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना फिर हल करना है। यार मतलब कि आपको एक एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है उसके बाद उसका जवाब हल करना है। यार ये बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन है, ये मतलब बड़ी इधर हमारे पास कन्फ्यूजन है कि यार इसको कैसे करेंगे। तो ये वाला रूल हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं और ये वाला रूल क्यों देख रहे हैं, तो ये एक जुगाड़ सिस्टम रूल कह लो आप इसे, कि आसानी वाला रूल ऊपर वाला है। बच्चे बड़े कंफ्यूज, यार ये आसानी वाला है, यार दो वेक्टर्स को रखो, ऐड करो, कहानी खत्म करो, रिजल्ट निकालो, घर को जाओ। ओ भाई ऊपर वाला ज़्यादा आसान है जो आज हमने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार वाकई में ये आसान है और इसमें एरर आने के चांसेस कम है, इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ और फिर जब हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा तब जाकर आपको ये कहानी समझ आएगी कि वो कैफी खलील ने क्यों कहा था कहानी सुनो जुबानी सुनो। ये वाली कहानी आपको तब समझ आएगी कि हमजा मसूद ने ये क्यों कहा था कि ये वाला रूल ज़्यादा आसान है और ये वाला रूल थोड़ा कम्प्लेक्स है, आंसर गलत देता है। देखना अभी अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक स्ट्रेट लॉन्ग पाथ है, लेट्स सपोज ये 50 किलोमीटर का है, ठीक है, इसके अंदर आप में से एक बंदा बिल्कुल ऐसे सीधा जा रहा है और दूसरे बंदे ने भी इधर ही आना है, इस पूरी लाइन बी पर ए से चलकर आना है। लेकिन मेरे से थोड़ी सी गलती ये हुई कि जो दूसरा बंदा है ना उसका थोड़ा सा एंगल में फ़र्क आ गया, ये बिल्कुल ऐसे माइन्यूट सा, तो इधर शायद मुझे वो माइन्यूट से एंगल का जो फ़र्क है वो महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ये बंदा चलेगा और देखना ये बंदा उस दूसरे बंदे से अच्छे खासे डिफरेंस होगा, हालांकि यहाँ पर बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, मीन के बड़े लेवल पर वेक्टर्स दो डिफरेंट हो गए, हालांकि दोनों सेम बनाने थे हमने, हल्के से सिर्फ डायग्राम में एंगल के डिफरेंस की वजह से वेक्टर्स मुख्तलिफ बन गया और जाहिर सी बात है इनका रिजल्टेंट भी डिफरेंट बनेगा। लेकिन वेक्टर एडिशन वाले सिस्टम में इस एरर को मिनिमाइज किया गया, ख़त्म किया गया, इससे हम डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालेंगे और वो भी एक्यूरेट काफ़ी हद तक, 100% कोई चीज़ नहीं होती, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम उसका रिजल्ट अच्छा होगा बनिस्बत के दिस सिस्टम के, हल्के से डिफरेंस से आपकी सारी कहानी पलट जाती है। लेकिन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़, हेड टू टेल रूल कहता है कि भाई मुझे बनाने के लिए पूरा सिस्टम ड्रा करूँ, मैंने कहा भाई कौन सा, वेक्टर डायग्राम के लिहाज से, अच्छा, और वेक्टर एडिशन वाला कहता है सर ज़रूरत ही नहीं है, वो कहता है सर ज़रूरत ही नहीं है,
आप थ्योरेटिकली जस्ट मैथमेटिक्स बगैर डायग्राम्स को बगैर एंगल्स को ड्रा किए मेरा आंसर ढूंढ सकते हो वेक्टर फाइनल वेक्टर का। लेकिन ये कहता है जानी नहीं, फाइनल वेक्टर के लिए वेक्टर्स भी ड्रा करो और फिर रिजल्ट दूंगा। अभी देखते जाओ जो लेक्चर एंड होगा, बड़े गौर से आपने देखना है, जब लेक्चर एंड होगा तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो खैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लेट सपोज वी हैव टू वेक्टर्स और जिनको हमने ऐड करना है, लेकिन किस रूल से अब करना है? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले रूल से करना है, ठीक है। सपोज यहाँ लेट वी हैव टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं ए एंड वेक्टर बी। यदि दो वेक्टर्स हैं इनको हमने हेड टू टू टेल रूल की बजाय रेक्टेंगुलर यानी कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ऐड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं छोटे छोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रा करता हूँ इधर, फोर वेक्टर ए एज वेल एज फोर वेक्टर बी। जो वेक्टर बी है या लेट्स सपोज जो वेक्टर ए है उससे हम ब्लू से ड्रा करते हैं और वो कुछ यूं बना हुआ है ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन, दिस इज योर वेक्टर ए और इसका लेट्स सपोज हम नाम रख देते हैं जी एम, ठीक है। तो ये आपके पास है जी वेक्टर ए, ओ से एम, ठीक है। और इधर बुक ने ग्रीन से बनाया तो हम भी ज़रा ग्रीन से बनाते हैं, कलरफुल सा कर लेते हैं, ओ एन। ये वेक्टर है बी। तो अगर मैंने इन्हें ऐड करना है टू टेल रूल से, तो ये जो डायग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप लोगों को समझाने के लिए ड्रा की जाएगी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब कि इस डायग्राम को सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बुक ने ड्रा किया है। अगर बुक ना भी ड्रा करे इस डायग्राम को तो फिर भी आप इन वैक्टर्स के मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशन को करोगे, रिजल्ट सही निकालोगे, जस्ट आपको इनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस का पता हो, ठीक है। इसका जो थीटा होगा इधर, इसको हम कह लेते हैं दी थीटा टू और इसके थीटे को बोल लेते हैं एंगल को थीटा वन। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो अब इन्हें ऐड करना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वेक्टर ए को जों के तों ड्रा कर देना है, बल्कि इसको थोड़ा कर्वी सा करके ऐसा करके करते हैं ए। लो जी, मैंने वेक्टर ए को जों के तों ड्रा कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर हेड टू टेल रूल का थोड़ा सा सहारा लेना है, सिर्फ डायग्राम के लिहाज से, वैसे आपने इसका सहारा नहीं लेना। आपने इधर क्या करना है, सब सपोज कर लो इसका जो ओरिजिन है वो आपने इधर रख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर बी बन गया। और अगर इनका रिजल्टेंट ड्रा किया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपने बस सॉरी बोर्ड पे बस यही मसला है यार, फिर गलत हो गया, चलो ये ठीक हो गया, ठीक है। तो ये इनका क्या आ गया जी, रिजल्टेंट आर विच इज इक्वल टू ए प्लस ओ बी। अब आप लोग मुझसे लड़ने हैं ना लग जाना कि सर अभी तो आपने कहा था कि हमने एड टू टेल रूल का सहारा नहीं लेना, तो ये आपने क्या किया, एक्स और वाई को ही किया है, वही किया है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट इधर ड्रा करें सिस्टम, तो इसका एंगल होगा थीटा वन, सेम लाइक दैट, और इसका इधर अगर हम एक्स पे ऐसे करके ड्रा करें कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका एंगल होगा थीटा टू एक्स एक्सिस से, ठीक है, ऐसे ये बना हुआ है। अच्छा दूसरी चीज़, बुक ने एक ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ग्रीन को ना थोड़ा इधर रख के ऐसे बनाया हुआ है, ओ से एन आपका वेक्टर बी जो मैंने उधर बनाया वो बुक ने इधर बनाया, और बुक बाद में कहती है कि भाई मैंने इस वेक्टर को इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड से इधर से उठाकर इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे अपनी आगे की कहानी, कि आगे की कहानी क्या है कि वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कर लो, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाले जाएं। अगर मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालूं तो मैं यहां पर लगाऊंगा एक लाइट जो इसका साया बनाएगी, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन, और वो प्रोजेक्शन बनेगी एक्स पे, और उस प्रोजेक्शन का नाम होगा ए एक्स, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा लाइट इधर तो इसका साया बनेगा इधर, तो जो इधर साया बनेगा वो होगा आपका ए वाई। याद हमने एक टॉपिक पढ़ा था
रिसेंटली पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर, इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक ये इधर ड्रा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए वाई। क्लियर है? और सेम हम वेक्टर भी, चूंकि वेक्टर एडिशन रहे भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करना है, तो हम बी के भी लिए यही करेंगे। इधर लगाई लाइट, इधर आई प्रोजेक्शन, तो ये बना बी ऑफ एक्स थीटा के साथ, और जो इधर बनेगा जब लाइट इधर लगाएंगे तो वो बनेगा बी ऑफ वाई। और इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक टू वेक्टर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड इधर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही वाला सिस्टम इधर लगा दिया। अगर हम सेम इसी चीज़ को ज़रा अगर हम इस जगह पर अप्लाई करें इसी सिस्टम को, तो आपको लगे अगर लाइट कोई बंदा इधर लगाए तो आपको नज़र आएगा कि इन सब के एक्स एक्स कंपोनेंट्स बन जाएंगे जो कि लाइट की वजह से प्रोजेक्शंस बन रही होंगी। ठीक है, तो ए का कंपोनेंट एग्जैक्टली उसके नीचे इधर बन जाएगा जिसका नाम होगा ए ऑफ एक्स। और सेम लाइक डैट कि अगर ये ओरिजिन है और यहाँ पर ऐसे है, तो इस जगह से लेके इस जगह एक कंपोनेंट बन जाएगा जो प्रोजेक्शन होगी एक्स की, क्योंकि ये लाइन एक्स है ना, ओरिजिन है, इसको उठाकर हमने इधर रखा होगा, तो ये बी ऑफ एक्स प्रोजेक्शन बन जाएगी। ठीक है, बी के। ठीक है, और अगर हम ऊपर से लाइट और देखें तो इधर एक और भी वैक्टर एग्जिस्ट कर रहा, तो इसकी यहाँ पर एक और प्रोजेक्शन बन जाएगी यहाँ से, सॉरी इसको हम ना बल्कि नीचे एक्स पे बना लेते हैं, तो ये प्रोजेक्शन बन जाएगी आर ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स पे मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि एक्स पर ऑलरेडी हमारे पास दो वेक्टर आ रहा है ए एक्स, तो वो उसके साथ मिक्स ना हो जाते, इसलिए इससे मैंने जरा नीचे बना दिया। ठीक है, और अगर इसी लाइट को कोई बंदा उठाकर इस साइड पर लगा दे, तो अब आप देखना कि इनकी प्रोजेक्शन बनेंगे इस तरफ, इधर आ जाएगी यूं करके ए ऑफ वाई, क्योंकि सबसे पहले लाइट जब इधर पड़ेगी तो इसका साया इधर पड़ेगा, तो ए वाई आ जाएगा। अब इतने हिस्से के लिए ये ओरिजिन है, तो इसके ऊपर ये जो ऐसे लाइन जा रही होगी ऐसे, इसकी इधर प्रोजेक्शन बन जाएगी इधर से लेके इधर तक बी ऑफ वाई। ठीक है, थीटा के सामने वाला, जैसे कि हमने इधर ड्रा किया हुआ, ये बी ऑफ वाई इधर बनेगा। और सेम यहाँ पर एक थर्ड वेक्टर जो है हमारे पास आर एग्जिस्ट करता है, तो इसकी प्रोजेक्शन बनेगी यूं इस जगह पर। अब मैं लगाऊंगा रूल ऑफ इक्वल वेक्टर्स, उसके मुताबिक क्या होगा कि अगर ए ऑफ वाई इधर है तो क्या ए ऑफ वाई इधर भी है इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक, और इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक यही ए ऑफ वाई इधर भी बन सकता है यूं करके, तो ये सारे क्या इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक आपके ए ऑफ वाई। ठीक है, और क्या ये जो बी ऑफ वाई इधर है तो ये बी ऑफ वाई इधर बन सकता है ऐसे करके, लो भाई ये बन गया आपका बी ऑफ वाई। ठीक है, और अगर ये बी ऑफ एक्स इधर है तो क्या इधर भी ये बी ऑफ एक्स बन सकता है, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स ने कहा था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के तो आप इधर ड्रा कर सकते हो। और इधर मैं यूं करके एक वेक्टर बना लेता हूँ यार, एक तो ये सही बात है, ये क्या होगा आपका आर ऑफ वाई इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक इसे उठाकर हम इधर ले आए। तो हमने किया कुछ भी नहीं, हमने बस जो हमारे पास तीन वेक्टर्स बने थे बुक के मुताबिक, मतलब जो हमारे पास तीन वेक्टर्स थे उनको सिर्फ अपनी निशानी के लिए कि हमारे सामने कुछ पता तो लगे कि हो क्या रहा है, सिर्फ इसलिए ये डायग्राम है, वैसे हमने इसका अचार भी नहीं डालना। ए के दो कंपोनेंट बना दिए ए एक्स और ए वाई इक्वल वेक्टर के मुताबिक, उसे मैंने इधर लिख दिया। बी को पकड़ा, बी के दो कंपोनेंट बना दिए, रिजल्टेंट जो बना उसके दो कंपोनेंट बना गए आर वाई और आर एक्स। असली कहानी अब शुरू होगी जो हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ डायग्राम बनानी थी और ये डायग्राम लाजमी बनानी है, कंपलसरी है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो असली कहानी जो अब शुरू होनी है ना, वो आपने इधर देखनी है। अब मुझे ये चीज पता लग गई है कि यहां पर जो वेक्टर्स हैं वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, जिसके मुताबिक हमें ये पता है कि जो a ऑफ x है वो असल में है a cos ऑफ थीटा 1, और जो a ऑफ y है वो असल में है
ए साइन ऑफ थीटा वन। जो बी ऑफ एक्स है वो असल में है बी कॉज ऑफ थीटा टू, और जो बी ऑफ वाई है वो असल में है बी साइन ऑफ थीटा टू। तो जाहिर सी बात है जो बंदा आपको दो वेक्टर्स ए और बी देगा तो वेक्टर्स का मतलब वो उनके मैग्नीट्यूड्स एज वेल उनकी डायरेक्शंस देगा, तो हमने कहा भाई जाहिर सी बात है देगा। तो अगर हम इसी चीज़ को इसी इक्वेशंस को देखें तो हम इनके जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स बनते हैं हम उनके कुछ अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस और एम, ये सारे नाम फर्जी नाम हमारे लिए कि भाई हमें पता तो लगे कि भाई कौन सा वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, मीन के ये स्टेशन बना लिए हमने भी छोटे छोटे के भाई जिस बंदे ने भावनगर से चलना है चिश्तियाँ पहुँचना है आगे हासलपुर पहुँचना है, छोटे छोटे स्टेशन हमने अपने लिए बना लिए अपने मुताबिक नाम रख लिए सिर्फ पहचान की खातिर। मतलब ये जो ओ क्यू आर एस ये नाम आप अपने मुताबिक भी रख सकते हो, आप 1 2 3 कह सकते हो, आप रोमन में लिख सकते हो, नाम नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप इनके पॉइंट्स के नाम दे लो 1x या 1 2 जैसे आपका दिल करता, कोई मसला नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये वाली कहानी आप पे है। तो अगर मैं इसी को गौर से देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि जिस बंदे ने ओ से आर तक जाना है वो ओ से पहले क्यू जाएगा और फिर क्यू से आर जाएगा, या आप इसको एक और अल्फाज में ये भी कह सकते हो इधर कि आप गौर करो तो क्यू से आर किसके बराबर है, क्यू से आर किसके बराबर है, एम से एस। तो हम इधर क्या लगाएंगे, ओ से आर इज इक्वल टू ओ से क्यू, क्यू से आर की बजाय हम लिख देंगे एम से एस। तो अब आगे की कहानी क्या है कि अब हमें ओ, ये तो हमारे नाम है, जो असल में चीजें वहां पर पड़ी हैं वो कौन है। जो आप देखो ओ से आर असल में चीज क्या है, आर एक्स, तो इसे हम इससे बनाते हैं फाइनल रिजल्ट को। तो ये कौन है आपका, आर एक्स। ओ से क्यू है ए एक्स और एम से एस जो है वो है बी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम इनकी वैल्यूज को लिखें तो ए ऑफ वाई किसके बराबर है, ए वाई, सॉरी ये गलत लिख दिया, ए वाई नहीं ए एक्स है, देखो ना यहाँ से ओ से क्यों ए एक्स। तो ये एक्स किसके बराबर है, ए कॉज ऑफ थीटा वन प्लस बी कॉज ऑफ थीटा टू। तो ये आप इसको कह लो, बल्कि इसको कह लेते हैं, बुक ने नीचे वाला स्टेप नहीं किया तो सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि असल में किसके बराबर है, और ये क्या आपके पास आर ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये हमारी एक्स की कहानी है, जो बंदा मतलब हॉरिजेंटली चलता है। आप इसको बंदा कहता है यार मेरे रिश्तेदार तो ऊपर आसमान में रहते हैं, एक उससे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, इनके वर्टिकली वैल्यू की बात कर रहा है। तो वर्टिकली कहानी को अगर हम सॉल्व करें तो वर्टिकली कहानी कहती है कि भाई आर से जो एस तक, आर से सॉरी जिसने पी तक पहुँचना है, आर से पी तक पहुँचना है, उसने पहले आर से एस पहुँच फिर एस से पी पहुँचना है, ठीक है। और अगर आप गौर करो तो जो R से S है वो असल में क्या है, M से Q या Q से M इज इक्वल टू R से S। तो हम इधर पुट कर लेते हैं R से P इज इक्वल टू Q से M प्लस S से P, यही है कहानी, देख लो डायग्राम। तो ये जो नाम रखे थे हमने रखे थे यार हमारे लिए आसानी हो जाए कि किसने कौन कौन से स्टेशन पे उतरना है और किसने कहाँ उतरना है। R से P डायरेक्ट रास्ता कौन सा वाला जाता है, उसका नाम है जी आर वाई, ये क्या जी आपका ए वाई, और ये जो ऊपर का रास्ता है यहाँ से ये कौन है आपके पास बी ऑफ वाई। तो इसको आप कह लो इक्वेशन टू, ठीक है। अब आपको पता है ये जो ए वाई है ये असल में क्या है, ये ए वाई क्या है, ए साइन ऑफ थीटा वन प्लस बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक गौर से देख लो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लो, यानी कि कमेंट में बता दो, मैं आपको दोबारा बता दूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर नहीं समझा तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा इस डायग्राम को देखो और समझ लो, या वीडियो को पॉज करो, इन पॉइंट्स को देखो फिर इसे देखो, फिर इन पॉइंट्स को देखो फिर इसे देखो, फिर इसको देखो फिर इन पॉइंट्स को देखो, फिर इसको देखो फिर इन पॉइंट्स को देखो, देख के बताओ कि यहाँ तक कहानी क्लियर है और सारी कहानी समझ आ गई। और मैंने कहा सर आगे, अब मेरे लिए इस डायग्राम की कोई हैसियत नहीं है, वो यार क्यों नहीं है हैसियत,
मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि भाई ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हमने रिजल्ट्स कैसे निकाले हैं। मींस के जो आर एक्स है वो असल में किसके बराबर है, आर एक्स यहाँ से यहाँ तक इसका और इसका सम। तो सिर्फ इसलिए डायग्राम बनाया गया, तो इसका मतलब है कि अब मुझे ये आर एक्स और आर वाई मिल गया है, अब मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने कहा यार क्यों नहीं है ज़रूरत? उसने कहा सर आर एक्स और आर वाई मिल गया। मैं कहा हाँ यार। उसने कहा सर रिजल्टेंट वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट्स आपको दे दिए जाएं, हॉरिजॉन्टल वो जो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आर एक्स और आर वाई, तो क्या आप वेक्टर फाइंड कर सकते हो? मैंने कहा हाँ यार, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, इनके ऊपर मैं लगाऊंगा वो जो हमने जो पढ़ा था पाइथागोरियन थ्योरम, वो लगा कर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा हाँ यार। तो फिर ये डायग्राम खलास, लो जी ये खलास कर दी डायग्राम, चलो जी कहानी ख़त्म। अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू हो जाएगी। फिर मैंने कहा भाई ये तो आ गया, अब क्या करें? उसने कहा सर अब सिंपल सा सवाल ये है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो बराबर होगा आर ऑफ एक्स आई, यानी कि अपने एक्स कंपोनेंट का आर ऑफ वाई जे, यही होगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन आर एक्स क्या है? उसने कहा सर आर एक्स ये है, जिसका मतलब है कि अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला आपको याद है पोजीशन वेक्टर में पड़ा था, फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर जमा सेकंड कंपोनेंट का स्केयर। हाँ यार ये फार्मूला याद है। तो अब एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों को जमा करो और इसकी वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, इसी तरह इन दोनों को जमा करो इसकी वैल्यू को पुट कर दो। दूसरा तरीका ये है, वैल्यूज लिख दो, ए ऑफ एक्स जमा बी ऑफ एक्स का होल स्केयर जमा ए ऑफ वाई जमा बी ऑफ वाई का होल स्केयर। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इनका रिजल्ट निकाल लेंगे। जाहिर सी बात है कि जो बंदा आपको दो वेक्टर्स देगा वो आपको इस वेक्टर ए का और उसका थीटा देगा, इसका और इसका थीटा देगा। मैंने कहा हाँ यार, इसका मतलब है कि मुझे डायग्राम की तो अब ज़रूरत ही नहीं है यार, सिर्फ क्या करूँ, थीटे को इसके साथ करूँ ए एक्स निकालूँ, थीटे को इसके साथ करूँ ए वाई निकालूँ, इसके थीटे को इसके साथ करूँ बी वाई, इसको थीटे को इसके साथ करूँ बी एक्स, इनको जमा करूँ आर एक्स आर वाई निकाल के उधर पुट कर दूँ और वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ। और मैंने कहा यार सर छा गए माशाल्लाह क्या बात कर दी। उसने कहा सर ये तो ठीक है, ये आपके पास दो वेक्टर थे, बड़ी आसानी से आपने बड़ी शोखी से बता दिया कि मैं हल कर लूँगा। उसने कहा सर लेट्स सपोज यू हैव मल्टीपल वेक्टर्स। मैंने कहा मल्टीपल क्या मतलब है? उसने कहा सर तीन है। मैंने कहा यार मल्टीपल तीन चार हैं सर, पाँच हैं छः हैं सात आठ हैं, तो क्या करेंगे? मैंने कहा यार तो पता क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन, पता क्या हो जाएगी इक्वेशन वन, अब ये लिखी जाएगी ये कितने वेक्टर हैं? उसने कहा सर अनलिमिटेड। मैंने कहा फिर, तो मैंने कहा भाई पहले वेक्टर का ए एक्स निकाल लो, दूसरे वेक्टर का बी एक्स, तीसरे वेक्टर का सी एक्स, चौथे का डी एक्स और पाँचवें का अप टू सोन। कहानी चलती जा रही, जितने भी वेक्टर्स होंगे आप उनके सारे वेक्टर्स के सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को इधर पुट करते जाओगे और रिजल्टेंट का आर एक्स निकलेगा। अच्छा, और अगर मल्टीपल वेक्टर्स में हो इक्वेशन वन तो इक्वेशन टू भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिस वेक्टर का एक्स होगा उसका ओबियसली वाई होगा। एक्स जो वाई, अब वाई डिपेंड करता है कि भाई वो है या नहीं है, मतलब एक वेक्टर एक्स में, तो हमारे पास ये कंफर्म नहीं है कि जो हमारे पास एक वेक्टर ए है उसका एक्स और वाई होगा, तो अगर उसका सिर्फ एक्स है तो जाहिर सी बात है उसका वाई जीरो है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके फार्मूले में उसकी वैल्यू को जीरो पुट करें, तो हम कुछ ना कुछ वैल्यू को इधर पुट करेंगे, ए वाई बी वाई सी वाई डी वाई अप टू सोन। मीन्स कि इसको आप सिर्फ इस अंदाज से याद रख लो कि भाई अगर आपके पास कोई वेक्टर ए बी सी और डी हैं, चार वेक्टर्स हैं, तो आपने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो क्या करो, चार वेक्टर्स हैं तो चार एंगल होंगे, हर वेक्टर के एक्स और वाई निकल जाएंगे, तो हर वेक्टर्स के एक्स को ऐड कर दो, हर वेक्टर्स के वाई को ऐड कर दो, तो रिजल्टेंट का एक्स और वाई, और अगर अनलिमिटेड है तो ये कहानी सीरीज की तरह चलती जाएगी। तो फिर अब इनकी वैल्यूज को हम ऊपर पुट कर देंगे, तो यही जो ऊपर वाली इक्वेशन, लेट्स सपोज इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं इक्वेशन ए, ये जो मैग्नीट्यूड वाली है, ये इक्वेशन हो जाएगी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स जमा बी एक्स जमा सी एक्स जमा डी एक्स अप टू सोन का होल स्केयर प्लस ए वाई बी वाई सी वाई डी वाई अप टू सोन का होल स्केयर। मीन्स के आप
या तो इन सब x को जमा करके rx निकाल दो, या इन सब y को जमा करके ry निकाल दो और इसमें पुट कर दो, या क्या करो इनकी वेरिएबल्स की सेंस में वैल्यूज को पुट कर दो। अच्छा उसने कहा सर ये तो निकल गया, अब बताएं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ इसका एंगल कैसे निकालेंगे। मैं कहा यार एंगल के लिए क्या बात कर दी, एंगल के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ वही वाला सीन, यहाँ तो वैल्यूज को पुट कर दो या वेरिएबल की सेंस में पुट कर दो। तो अगर मैं सिर्फ दो की सेंस में पुट करूँ तो इक्वेशन बनेगी a ऑफ y जमा b ऑफ y ओवर a ऑफ x जमा b ऑफ x। अच्छा, और मैंने कहा अगर बंदा कहे वही वाली कहानी मेरे से दोबारा क्वेश्चन करेगा सर अगर मल्टीपल वैक्टर्स हैं तो क्या करो, बस यही सेंस जो सेंस मैंने इधर लगाई है उसी सेंस को आप इधर चेप दो, तो ये आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स के लिए आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आधा कंप्लीट हो जाता है। साथ अब आपसे वो क्वेश्चन करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या करता है, वो आपको आगे मतलब उसके करेक्टरिस्टिक या उसके स्टेप्स पूछता है कि भाई ये आपने सॉल्व ये जो पूरा सोल्यूशन किया ये कैसे किया, तो वो भी हम लिखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुना देता हूँ कि अभी जो मैंने कहा था कि ये सिंपल सा मेथड क्यों है, थ्योरेटिकली इसलिए है क्योंकि जो भी बंदा आपको ए वेक्टर देगा वो साथ उसका थीटा दे देगा और जो बी देगा वो उसका थीटा दे देगा, तो आपने सिर्फ उनके थीटों को सोल्व करके ए एक्स और ए वाई बी एक्स और बी वाई निकाल लेना और पुट कर लेना है, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब है कि इधर जो एंगल की हल्की सी भी गलती के चांसेस इधर कम हो जाते हैं, मिनिमाइज। तो जाहिर सी बात है जब इनके रिजल्ट सही आएंगे तो आर एक्स की वैल्यू जो आर है उसका मैग्नीट्यूड भी सही आएगा और ओबियसली उसका थीटा एंगल भी ठीक निकलेगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, अब चलते हैं आगे। अब मैं लिखूंगा कि हमने किया क्या है, अभी ये जो पूरी कहानी को सॉल्व किया है इसमें हमने किया क्या, यानी कि स्टेप्स फॉर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जरा देखते हैं। सबसे पहला स्टेप लिखती है बुक फाइंड ऑल दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दी वेक्टर्स। अभी जो मैंने किया पहला स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको जितने भी लेट्स हो पांच वेक्टर हैं तो पांच के पांच वेक्टर्स के दो दो कंपोनेंट जो आपने निकालने में निकाल लेने एक्स और वाई कंपोनेंट्स। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है फाइंड रिजल्टेंट कंपोनेंट जो वेक्टर है उसका आर एक्स कंपोनेंट बाई एडिंग ऑल एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दी वेक्टर्स। समझ आई बात, अब आपने क्या किया दूसरे स्टेप में कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स निकाल लेना उन सब के सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके। तीसरा स्टेप ये वाला है फाइंड वाई कंपोनेंट यानी कि आर वाई बाई एडिंग ऑल वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दी वेक्टर्स। ये आपके पास है जी स्टेप नंबर थ्री। हमारा मकसद है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड यूजिंग इक्वेशन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का आप क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड बाई इक्वेशन या फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, वो है जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर ऑफ एक्स का स्क्वायर जमा आर ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है जी चौथा स्टेप और लास्ट एंड फाइनल स्टेप फाइंड डायरेक्शन बाय यूजिंग। डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर आर एक्स। तो ये हमने स्टेप फॉलो किया और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन इसके अंदर अब एक थोड़ी सी कहानी बाकी है और वो कहानी है स्टेप नंबर फाइव की। कि स्टेप नंबर फाइव की एक कहानी है जो आंसर गलत दे देती है बच्चों को, वो हमने ज़रा समझनी है कि इस स्टेप नंबर फाइव के अंदर क्या रोल है। स्टेप नंबर फाइव को जो आप पीछे थीटा पढ़ के आए हो ना, असल में ये थीटा था ही नहीं, ये
थीटे का बहरूपिया था। मैंने कहा भाई थीटे का बहरूपिया क्या चीज़ है भाई? उसने कहा सर ये तो आप थीटा पढ़ के हो, असल में ये इक्वेशन है फाई की, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर। वो बच्चे घबरा गए, उसने कहा सर जी ये थीटा मीन एंगल होता है तो फाई का मतलब क्या? फाई का मतलब भी एंगल ही होता है, लेकिन ये वो 100% वाला एंगल नहीं होता जो हमें नज़र आ रहा है। ये जो इक्वेशन है ये हमेशा एक्स के लिहाज से एंगल देती है, ठीक है, गिव्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसने कहा सर एक्स एक्सिस के साथ ही चाहिए होता है, क्या घूम तो नहीं गए? एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल चाहिए? नहीं, गौर करो तो हमें जिस भी वेक्टर का जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो जो वेक्टर्स वाले, उसके मुताबिक एंगल जब भी चाहिए भाई एक्स से ही चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एक्स से चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मींस के ये फार्मूला नेगेटिव एक्स से भी आपको एंगल दे के निकाल देगा। अच्छा दूसरी चीज, गिव्स एंगल इन एनी रोटेशन, ठीक है, रोटेशन का वर्ड इधर मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीन्स के ये एंगल किसी भी रोटेशन में दे सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और हमारे मुताबिक वेक्टर का एंगल वही होगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब है कि ये फार्मूला वैलिड नहीं है प्रॉपर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आपने ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बड़े ध्यान से देखना है, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये एक्स है, तो ये नेगेटिव एक्स है। तो इसको आपने जब बड़े ध्यान से गौर से देख लेना है तो फिर आपने इस इक्वेशन को समझना है जो इधर मैं अभी बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर हम पहला क्वाड्रेंट देखें, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में देखें तो मैं कहता हूँ यार मैं पहले क्वाड्रेंट में रहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्स भाई होते हैं वो भी पॉजिटिव में पड़े होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा एक्स की, और जो वाई भाई हैं अगर हम देखें तो वाई भी ओरिजिन से ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक बंदा रहता है, वो कहता है सर मैं ना जरा ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे रहता हूँ, इसका मतलब है कि मेरा एक्स नेगेटिव है और जो वाई है वो मेरा पॉजिटिव है। एक बंदा कहता है सर मैं तीसरे क्वाड्रेंट में रहता हूँ, तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब है कि उधर एक्स भी नेगेटिव है क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट पे है और वाई भी ओरिजिन से नीचे है तो वाई भी नेगेटिव है। चौथा जो है वो चौथे बंदे में, मतलब जो चौथे क्वाड्रेंट में जो बंदा रहता है उसके मुताबिक वो कहता है सर राइट पे तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अच्छा, मैंने कहा इसका हमारे इधर से क्या ताल्लुक? असल में ये जो एक्स और वाई के साइंस हैं ये आपके कंपोनेंट्स के भी हिस्से हैं। कैसे? ये देख लो, अभी आपको बता देते हैं इधर छोटी सी डायग्राम में बनाकर। तो अगर आप देखो इधर कोई वैक्टर हो तो उसके कंपोनेंट यूँ बनेंगे, तो ये जो एक्स और वाई बना, ये एक्स इधर बना तो ये पॉजिटिव, वाई ऊपर बना तो पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसी को इधर बनाएं यूं करके सेकंड में, यूं वेक्टर है सेकंड में, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो देखो एक्स इस तरफ है तो एक्स ओरिजिन से इधर वाली डायरेक्शन वाला नेगेटिव और ऊपर वाला वाई पॉजिटिव। और अगर हम इसी को इधर बनाएं, बल्कि ना इसको बड़ा करके इधर बना लेते हैं, सारों को इधर एक साथ ही ड्रा करता हूँ मैं, हम इसी डायग्राम को इधर भी बनाते हैं और इधर ड्रा करते हैं। तो अगर मैं इधर बनाऊँ एक वेक्टर, फिर एक वेक्टर इधर बनाऊँ, फिर एक वेक्टर इधर बनाऊँ और एक वेक्टर इधर बनाऊँ, चार वेक्टर्स हैं, ठीक है, नाम हम दे लेते हैं जी A1, A2, A3 और A4। तो अगर मैं सबसे पहले वाले के कंपोनेंट बनाऊं तो आप देखोगे ये कंपोनेंट कुछ यूं बनेंगे, ए एक्स, यानी कि ये बस मैं नाम नहीं लिख रहा, तो आप देखो एक्स इधर है पॉजिटिव, वाई ऊपर है पॉजिटिव। अगर इधर कंपोनेंट बनाए जाए तो आप देखोगे इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अगर इधर कंपोनेंट ड्रा किए जाए तो देखो ये कंपोनेंट यूं बनेंगे, तीसरे वाले के एक्स भी नेगेटिव में चल रहा है और वाई भी नीचे की तरफ चल रहा है। और अगर इसके कंपोनेंट ड्रा किए जाए तो इसके कंपोनेंट यूं बनेंगे, एक्स पॉजिटिव में चल रहा है और वाई नेगेटिव में चल रहा है। तो ये कंपोनेंट्स असल में ये वाली चीज़ें क्वाड्रेंट्स के लिहाज से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट बनता है, हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, आर एक्स और आर वाई। अगर दो वेक्टर्स की सेंस में लिखूं तो आर एक्स किसके बराबर होगा? बोलो भाई ए एक्स जमा बी एक्स,
और आर वाई किसके बराबर होगा, ए वाई जमा बी वाई। इनका आंसर या तो जमा करने से प्लस में आ सकता है या माइनस में आ सकता है। सिमिलरली फॉर आर वाई, या जमा में आ सकता है या माइनस में। इनको देखने के बाद आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास जो आता है वो, इधर मैं चार ही डायग्राम्स बनाऊंगा और साथ चार ही उनके आंसर लिखूंगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ये डब्बे बनाए हैं मैंने खुद, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इनमें ड्रा करूंगा। तो लेट्स सपोज कि अगर पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर, इधर ऐसे ही चलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके अंदर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और पहला वेक्टर कुछ यूं ड्रा होगा, यूं। तो इसका आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी, यानी कि ए आर एक्स कह लो इधर और इसे आर वाई कह लो, और ये आर है। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका एंगल एक्स से आएगा, और एक्स से एंगल हमेशा इस सूरत बन सकता है कि अगर एंगल क्या बने, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि एक्स से एंगल वेक्टर यूं बनना है, ए यूं बनना है, तो एक्स से एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्वाड्रेंट में पहली कंडीशन हमारी, ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन इधर जो असल में है वो है पॉजिटिव एक्स, और दूसरी है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पहला क्वाड्रेंट देखे तो दोनों इक्वेशन पूरी हो रही है। इसका मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो थीटा हमने असल में ढूंढना था, जो थीटा है वही आपका फाई है। समझ आ गया। अब आ जाएं जी दूसरे में। दूसरे के अंदर अगर हम बनाएं तो मैं यूं बनाऊंगा, इसके अंदर वेक्टर कुछ यूं बनेगा, इसके कंपोनेंट कुछ यूं बनेंगे। तो देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर जब उसने एंगल देना है, उसने कहा मैंने सर एक्स के लिहाज से देना है, तो उसके अंदर एक्स यूं है तो वेक्टर यूं चलेगा। इसका मतलब है कि जो एंगल है वो कुछ यूं बनेगा, लेकिन ये हमारी कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी कंडीशन है पॉजिटिव एक्स और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा है कि भाई मैं जो हूँ, मैं एक्स से दूंगा नेगेटिव से और दूसरा क्लॉकवाइज दूंगा। तो मैंने कहा यार ये तो मसला है, हमें तो चाहिए पॉजिटिव से। तो अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ से अगर हम एक एंगल ड्रा करें यहाँ तक, तो वो कितना बनेगा, असल में वो हमारा थीटा है, तो ये फाई है, ये एंगल फाई है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो थीटा होगा। तो मुझे पता है कि जो टोटल एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक, वो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 यहाँ से चले यहाँ तक। लेकिन उसमें से ये वाला एंगल हमारे काम का नहीं है, नीले वाला, तो हम इस नीले वाले एंगल को फाई नाम दिया था, तो इसे क्या कर देंगे उसमें से माइनस। इसका मतलब है कि अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो तो कहानी के अंदर ट्विस्ट एंगल में यहाँ से आएगा। तीसरे में आ जाए, तीसरे को मैं ड्रा करूँ तो कुछ यूं ड्रा करूँ, यही सर असल में ये समझने वाले पॉइंट हैं। तीसरे के अंदर अगर वेक्टर ड्रा करूँ तो मैं यूं ड्रा करूँगा, दोनों पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर भी इसने जब एंगल देना है तो इसने एंगल इधर से दे देना है। अगर आप तीसरे को गौर से देखो तो ये जो टुकड़ा आया ये आपके पास आया है फाई। अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है सर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने कहा यार सेकंड कंडीशन पूरी होगी, लेकिन हमारी एक कंडीशन बाकी है, वो कि एंगल पॉजिटिव है, ये दे रहा है एक नेगेटिव से। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, असली एंगल है ये ओरिजिन, यहाँ से एंगल चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना है आपके पास, हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा यूं करें तो असली एंगल ये वाला है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें यहाँ से, तो वो है 180, जिसका मतलब है कि इसके अंदर जो थीटा होगा, जो असली थीटा है, वो कितना होगा, 180 यहाँ तक, जमा आगे जो चीज़ चल रही है, और आगे कौन चल रहा होगा, फाई। तो इसके अंदर टोटल एंगल ये होगा। अब आ जाए जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले में क्या कहता है, फोर्थ वाले में वो हमें कहता है कि अगर मेरा सर वेक्टर आपने ड्रा करना है तो वो यूं ड्रा होगा, ये इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर हम देखें तो एक्स आपके पास पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, लेकिन इसके अंदर एंगल कहाँ से आएगा, इसके अंदर भी एक्स से आएगा, तो लेकिन एक्स से जब एंगल चलेगा, यानी कि इधर एक्स से एंगल चलेगा तो वो यूं चलेगा। जब यूं चलेगा एंगल, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन फिर पूरी हो रही है,
कौन सी के पॉजिटिव, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो रही है। ये फाई था, इसको फाई कर देते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो रही है आपकी, गलत हो रही है। तो हमें चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ से एंगल ड्रा किया जाए तो यहाँ से एंगल कुछ यूँ बनेगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेके एंगल यहाँ तक बनेगा। अब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल होता है, यहाँ तक वापस एक पूरे चक्कर का, वो होता है 360। लेकिन उसमें से ये एंगल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये है एंटी क्लॉकवाइज, हमें चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ये जो बकिया बचा है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होंगे, मैं टोटल में से फाई को उड़ा दूंगा तो असली थीटा एंगल जो बचेगा थीटा, वो होगा थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाई। तो सारी कहानी वो फाई टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स की है। तो आर वाई और आर एक्स सिर्फ साइन से आपको ये बता देंगे, उसके साइन को आपने उधर पुट नहीं करना, सिर्फ साइन से कहानी समझनी है। जब कहानी पता लग जाए कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके अंदर ये एक दो तीन और चार, ये फार्मूले चार आपके सामने हैं, इनको यूज़ करते हो आप पुट करोगे, सारी कहानी को रिजॉल्व करोगे, टाइम टाइम फिश कहानी एंड, सवाल हल, और सबसे बेहतरीन कोई डायग्राम नहीं। ठीक है जी, ये था आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसमें अभी भी कोई चीज़ की गुंजाइश है तो ना समझ आई तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, लेक्चर मज़े का लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और वो कहानी समझ आ गई ना, वो जो शुरू में कही थी कि कहानी सुनो, वो कहानी ये थी, वो सुन ली और समझ आ गई कि इसलिए ये जुगाड़ी सिस्टम हमने बना लिया कि भाई इससे हम बगैर डायग्राम के सारी कहानियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे एग्जांपल्स भी हैं, तो वो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको दोबारा याद करवाऊँगा हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ से एग्जाम्पल ये है और उससे हम सॉल्व करके सारी कहानियों को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।